हाय डी, ज्ञान गंगा में आपका सबका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल असाइनमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम। 8 अप्रैल 2019 में सब इंटरनल असाइनमेंट्स वेबसाइट पे आई हुए, उसमें से आज हमारा टॉपिक जो है हम लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम के बारे में बात करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जाम में 6 सब्जेक्ट होते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, देन कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कंप्यूटर, मटेरियल साइंस एंड मैथमेटिक्स। जो डिप्लोमा होल्डर्स है और IIIE को एडमिशन लिया उनको 2 सब्जेक्ट में एग्जामिशन मिलता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड मैथमेटिक्स, इन 2 सब्जेक्ट में उनको एग्जामिशन मिला है। लेकिन इंटरनल असाइनमेंट में मैंडेटरी 2 सब्जेक्ट और एड हुए है प्रिलिमिनरी एग्जाम में, जो आपको सिर्फ इंटरनल असाइनमेंट में देने हैं, इसके मार्क काउंट होते हैं। जो सब्जेक्ट कौन सा है वो है प्रोफेशनल इथिक्स, इट्स MBA सब्जेक्ट एज वेल एज द बेसिक टूल्स फॉर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो ऐसे डिप्लोमा होल्डर जो प्रिलिमिनरी एग्जाम दे रहे हैं उनको 6 इंटरनल असाइनमेंट बनानी है और हेडक्वार्टर मुंबई को भेजना है। ये सब असाइनमेंट अगर आप देखोगे हर पेपर 140 मार्क्स का है, एक्सेप्ट 2 पेपर्स। वो 2 पेपर कौन सा है? प्रोफेशनल इथिक्स एंड बेसिक टूल्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इन सब्जेक्ट के अंदर आपको जो भी आंसर्स लिखने हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पहले लिखना है, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अगर कोई स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पहले लिखता है, उसके बाद में 4 लिखता है, देन ही गोज टू 7, देन 8, देन 1 एंड 2, देन इट विल गिव ए नेगेटिव मार्किंग इन योर असाइनमेंट। सो बेटर यू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 8। होप वॉट एवर आई एम सेइंग इट इज क्लियर। इन सब असाइनमेंट में मिनिमम पासिंग मार्क है 50 मार्क्स, मतलब आप 140 का पेपर अगर लिख रहे हो तो 70 मार्क्स अगर आपको मिला देन यू आर पास, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप इंटरनल असाइनमेंट पेपर नहीं सबमिट करते हैं और थ्योरी पेपर देते हैं, थ्योरी मार्क्स में आपको 6 मार्क्स मिलते हैं, एंड रिजल्ट आपका जो डिक्लेयर होगा उसमें आप फेल आएंगे, क्योंकि मैंडेटरी इट्स मैंडेटरी टू गिव द रिटन एग्जाम एज वेल एज इंटरनल असाइनमेंट। सो प्लीज नोट दिस, इंटरनल असाइनमेंट सबमिट करना जरूरी है। जो रिटन मार्क्स होता है उसके अंदर 100 मार्क्स का पेपर होता है विथ ऑप्शन 140, लेकिन इट इज नॉट माइंडेड टू सॉल्व 140 मार्क्स क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे हर क्वेश्चन कंपलसरी है, वैसे थ्योरी पेपर जो आपको 2 अगस्त और 2 फरवरी में चालू होते हैं उसमें मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उसमें पासिंग मार्क कितना है? 40 का पासिंग मार्क है। और सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज कैरी फॉरवर्ड। अगर आपने असाइनमेंट पिछले सेमेस्टर में भरा है और उसका रिजल्ट फेल आया अगर आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट एग्जाम देते समय आप सिर्फ थ्योरी दोगे, इंटरनल असाइनमेंट नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप ऑफिस पेपर अपियर कर रहे हो देन यू हैव टू गिव द इंटरनल असाइनमेंट एंड थ्योरी पेपर बोथ। नेक्स्ट, वेन एवर यू सबमिट द असाइनमेंट आपके पास हर एक चीज का जेरोक्स होना जरूरी है, इंक्लूडिंग DD, वो आपके बैकअप में रहना जरूरी है। रीजन ये है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो केस के अंदर इट विल हेल्प यू टू टॉक विद द हेडक्वार्टर पीपल्स, अगर कुछ एरर आती है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए बैकअप रखना जरूरी है, ठीक है। ये पूरी इंटरनल असाइनमेंट आपको 30 मई 2019 के पहले सबमिट करनी है। अगर बाय चांस 30 मई तक अगर आप सबमिट नहीं कर सकते या कुछ प्रॉब्लम आया तो 5 जून तक आप सबमिट कर सकते हो, लेकिन इसमें एडिशनल चार्ज पर सब्जेक्ट आपको 200 रुपीज एज ए लेट फी करना होगा। हर इंटरनल असाइनमेंट की फीस है पर सब्जेक्ट 200, अगर आप लेट सबमिट करते हो 30 मई के बाद तो आपको 200 प्लस 200, मतलब 400 पर सब्जेक्ट एडिशनल देना होगा। प्लीज नोट, इतना आपको DD देना पड़ेगा। जो एडिशनल सब्जेक्ट है प्रोफेशनल इथिक्स एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये मैंडेटरी है, इसको आप बाईपास करके नहीं चलेगा, आपको ये पेपर लिखना है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको कुछ क्वेश्चन अगर नहीं मिल रहे तो कमेंट या हमें मेल लिखो, gyangangaa2020@gmail.com, gyangangaa2020@gmail.com, हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। वेटेज अगर आप देखोगे इंटरनल असाइनमेंट का पूरा वेटेज है 20 मार्क्स 20%। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 100 में से, मैं इसके एग्जाम्पल लेता हूं, अगर 100 में से आपको 60 मार्क्स मिले तो फाइनल कैलकुलेशन में उसका वेटेज 20 के हिसाब से निकालेंगे, मतलब कितना होगा उसका 20 के हिसाब से 12 मार्क्स। और अगर थ्योरी पेपर्स में अगर आपको 80 मार्क्स मिलता है तो 80 का वेटेज निकालेंगे थ्योरी पेपर में, इट कम्स अराउंड 64,
सो 64 प्लस 12 तो आपका फाइनल रिजल्ट में मार्क आएंगे 76. यू गॉट इंटरनल असाइनमेंट का वेटेज है 20%, थ्योरी एग्जाम का वेटेज है 80%. भले आप थ्योरी में 100 मार्क्स में से जो मिलेंगे वो 100 मार्क्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू 80. यहाँ पे जो 140-100 जो पेपर है उसमें जो मार्क्स आपको मिलेंगे दोज विल गेट कन्वर्टेड इनटू 20 वेटेज, 20 में से कितने. गेट इट, गॉट इट. नेक्स्ट, आपके असाइनमेंट के साथ में एक क्वेश्चन बैंक या शीट दी है जिसके अंदर हर क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स मिले वो शीट है. वो शीट आपको स्टेपल या पेस्ट करनी है आपके नोटबुक के अंदर. ये पूरी असाइनमेंट आपको नोटबुक के ऊपर लिखनी है विथ गुड हैंड राइटिंग, विथ योर ओन हैंड राइटिंग. ज्यादा डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं. अगर आप डेकोरेशन करते बैठेंगे तो वो आपको माइनस मार्क में लेके जाएंगे. यू कैन गिव द टेबल्स, यू कैन यूज द ग्राफ्स, यू कैन यूज द डायग्राम्स, बट अवॉइड अननेसेसरी डेकोरेशन ऑन द इंटरनल असाइनमेंट. बुक्स के अंदर, नोटबुक के अंदर आप बोथ साइड पेपर यूज कर सकते हो. ये हो गया. फीस के बारे में मैंने बोला, सब क्वेश्चन कंपल्सरी मैंने बोला. अगर आपकी असाइनमेंट नीट क्लीन एंड इजी टू अंडरस्टैंड है तो आपको बोनस में 5 मार्क्स एडिशनल मिलेंगे, जो आपको परसेंटेज अगर इंप्रूव में करना है तो इट विल हेल्प. नेक्स्ट, इंटरनल असाइनमेंट मैंडेटरी. अगर आप 4 स्टूडेंट मिलकर इंटरनल असाइनमेंट का स्टडी कर रहे हो और एक जैसा अगर लिखते हो, ठीक है, अगर रिप्लाई में चेक करते समय अगर ऐसा दिखता है कि आपने नेट थ्रू डाउनलोड किया है और एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है या आपने दोस्त का कॉपी करके लिखा है, देन इट विल गिव ए नेगेटिव मार्क. ओके, इंटरनल असाइनमेंट के बेनिफिट ये है, अगर इंटरनल असाइनमेंट आप करते हो इन इट विल गिव ए बेनिफिट, आपकी स्टडीज इन एडवांस हो जाएगी. 2 अगस्त के पहले आपका 50-60% आपका स्टडीज हो जाएगा. सेकेंड थिंग, अगर आप फर्स्ट क्लास चाहते हो, डिस्टिंक्शन चाहते हो प्रीलिमिनरी एग्जाम में, और अगर आप ये असाइनमेंट सीरियसली भरोगे, ट्रू सेंस में भरोगे, तो आपको फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन लाने में ज्यादा मुश्किल नहीं है. दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो. नेक्स्ट वीडियो मेरा फोकस रहेगा बेसिक टूल्स फॉर इंडस्ट्री इंजीनियरिंग. मैं जो असाइनमेंट में क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन में से एक एक टॉपिक पकड़ के यहाँ पे ट्रेन करूंगा. ठीक है. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर दी टूडे. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.